आज ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि कुछ ही लम्हों के बाद जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो हुंकार भरेंगे उस नारे की जहां पर बीजेपी ने दिया है अब की बार 60 बार। तो अब की बार 60 बार, जी हां, मंच सज चुका है और तैयारी है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की। जी हां, मंच आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरह से तैयार है और मंच पर इंतजार देश के प्रधानमंत्री का है और जगह है ऐतिहासिक परेड ग्राउंड, देहरादून का वो ऐतिहासिक परेड ग्राउंड जिसकी अपने आप में एक अलग पहचान है। आज ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि कुछ ही लम्हों के बाद जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो हुंकार भरेंगे उस नारे की जहां पर बीजेपी ने दिया है अब की बार 60 बार। लेकिन क्या वो इतना आसान हो पाएगा और कैसी है प्रधानमंत्री के आने से पहले की तैयारियां? आइए मेरे साथ और मेरे सहयोगी सागर बिष्ट के साथ दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से मोदी के आने से पहले क्या है देवभूमि के दंगल का नजारा। चलिए आइए मेरे साथ। तो किस तरह की तैयारियां हैं, देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने खुद हमारे साथ एसएसपी देहरादून यहां पे मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की तैयारियां हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? देखिए, जैसा आपको देख ही रहे हैं, ग्राउंड में लगातार तैयारियां चल रही हैं। हम खुद ही यहां पर सुपरवाइज कर रहे हैं। जो भीड़ एक्सपेक्टेड है, लगभग 40,000 से 50,000 लोगों के आने की संभावना है, लेकिन व्यवस्थाएं और भी ज्यादा हमारे द्वारा की गई हैं। जो हमारे चेकिंग, फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑलरेडी एक कंपनी हमारी यहाँ पर परेड ग्राउंड में प्लेस्ड है जो कि सारी चीजों की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। मंच की सुरक्षा व्यवस्था में जैसा कि आप देख रहे हैं कि असलाधारी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा BDS टीम्स हमारी यहाँ पर स्टेशनड हैं जो कि लगातार चेक कर रही हैं, तो 24/7 वो यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा आर्मी से भी हमारी एंटी माइनिंग टीम आ गई है जो कि लगातार एरिया को चेक करती रहेगी। जहां तक कार्यक्रम के दिन का सवाल है, तो ट्रैफिक व्यवस्था हमारे द्वारा चाक चौबंद कर दी गई है और जितनी भी हमारी प्लानिंग है वो ऑलरेडी इन प्लेस की जा चुकी है। हमारे द्वारा डबल चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी, एक बार आउटर एरिया में DFMD के थ्रू की जाएगी, इसके अलावा इनर एरियाज में भी हमारे द्वारा DFMD और HHMD के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी। जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, तो हरिद्वार से आने वाले ट्रैफिक को हम रिस्पिना पुल होते हुए बन्नू स्कूल तक लाएंगे जो कि अलाइटमेंट पॉइंट होगा। इसके अलावा कोई विकास नगर की तरफ से आता है तो बिंदाल ब्रिज अलाइटमेंट पॉइंट होगा। जो सहारनपुर के रास्ते आ रहा है तो सहारनपुर चौक हमारा अलाइटमेंट पॉइंट होगा। रायपुर की तरफ से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका अलाइटमेंट पॉइंट सहजधारा तिराहा होगा और जो मसूरी से आ रहा है ट्रैफिक उसका बहल चौक अलाइटमेंट एरिया होगा। उसके बाद जो ट्रैफिक होगा वो अपने अपनी पार्किंग में चला जाएगा। फिर वहां से ऑन फुट लोग यहां कार्यक्रम स्थल तक चेकिंग फ्रिस्किंग के माध्यम से पहुंचेंगे। जहां तक लोगों से अपील है तो कोई भी बैग बैगेज लेकर ना आए क्योंकि बैग बैगेज को यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। हमने नगर निगम से भी अपील की है कि अगर कोई कूड़ा लाता है तो एक कूड़ेदान भी हर एक एंट्री पॉइंट पर रखे जाए जिसमें कि जो वेस्ट मटीरियल है उसको लगातार कलेक्ट किया जाए। जहां तक कोविड प्रोटोकॉल का सवाल है तो हमारे द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ज्यादातर लोग RT-PCR करवा कर आएं। इसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं तो उनको पूरा मास्क पहन कर आएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ मास्क हमने अपने एंट्री पॉइंट्स पे भी रखे हुए हैं जो कि उनको मुहैया करा दिए जाएंगे। अगर कोई बिना मास्क के आता है उसकी लगातार हम चेकिंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत वक्त दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ SSP देहरादून जिनका कहना यह है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वो खुद आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी प्रशासन की यहाँ पर टीम इस वक्त मौजूद है और अपने सहयोगी सागर से चाहूंगा मैं कि वो दिखाए जरा कि किस तरह प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और बाकायदा मंच से लेकर ग्राउंड जीरो तक पर यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और कोई भी कमी पेशी ना रह जाए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं किस तरह से चाक चौबंद है उसका खुद मुआयना इस वक्त प्रशासन ग्राउंड जीरो से ले रहा है। और क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है देवभूमि के दंगल में, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। कुछ ही वक्त के बाद देश के प्रधानमंत्री इसी मंच से गरजने वाले हैं। निशाने पर कौन होगा आप जानते हैं, निशाने पर होगी कांग्रेस और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत।
और क्या कुछ होने वाला है। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि देश के प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने क्या होंगे, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक। तो चमचमाती स्क्रीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन ये चमचमाती स्क्रीन के पीछे की एक तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे। तस्वीर बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये ऐतिहासिक परेड ग्राउंड है और इस परेड ग्राउंड का एक अपना ही इतिहास है। मैं अपने सहयोगी सागर से चाहूंगा कि सबसे पहले इस परेड ग्राउंड का, इस मंच, क्योंकि ये वो मंच है जहां पर कुछ ही वक्त के बाद देश के प्रधानमंत्री गरजने वाले हैं और निशाने पर विपक्ष को लेने वाले हैं और यहां से 60 पार का नारा देने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जहां से ऊपर से जहां से देश के प्रधानमंत्री मंच को संबोधित करेंगे, मंच से संबोधित करेंगे, उसकी तस्वीरें आप देखिए। चारों तरफ कुर्सियां लग चुकी हैं, चप्पे चप्पे पर बंदोबस्त किए जा रहे हैं, कोई व्यवस्थाएं अधूरी ना रह जाए, और ऐसे में मंच को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पर अधिकतर रैलियां आयोजित होती हैं और ये देहरादून का सबसे अहम सेंटर पॉइंट है, देहरादून नहीं बल्कि गढ़वाल मंडल का कहें। और ऐसी स्थिति में आप इस मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुर्सियां भी तैयार हैं, कुर्सियों पर विराजमान होने वाले दिग्गज नेता बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री आएंगे। और ये चमचमाती स्क्रीन आप देख रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के जो है, जब वो संबोधित करेंगे तब ये चमचमाती स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और स्क्रीन पर बीजेपी की वो तमाम उपलब्धियां, देश के प्रधानमंत्री की वो तमाम उपलब्धियां जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हासिल की हैं। तो तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लिए एक रैली काफी महत्वपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री की रैली क्यों महत्वपूर्ण है, खुद हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उत्तराखंड के परिपेक्ष में और देवभूमि के नजरिए से, गढ़वाल के नजरिए से और दून के नजरिए से मोदी क्या मंत्र देंगे और उनकी रैली के मायने क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ही घंटों के बाद देवभूमि के इसी दंगल पर और यहाँ पर मौजूद होंगे, और कहा जाता है कि हाउस ऑफ जोश, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाउस ऑफ जोश, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता में बहुत जोश है। आदरणीय मोदी जी इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। जिस प्रकार उनकी कार्यकुशलता और जिस प्रकार वो देश को साथ लेकर चल रहे हैं, अभी आप जानते होंगे कि 2 साल पूरे हमारे कोरोना काल में चले गए और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने इस पूरे देश के 135 करोड़ देशवासियों को एक तरह से अपनी गोद में उठा लिया था और उनको 135 करोड़ देशवासियों में से आज 125 करोड़ देशवासियों को मुफ्त की अपनी स्वदेशी वैक्सीन लग गई। 80 करोड़ देशवासियों को इस समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको मुफ्त में राशन की सौगात दी जा रही है। तो काम तो आदरणीय मोदी जी के माध्यम से पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, और जिस रूप से उत्तराखंड के बारे में कहें तो उत्तराखंड के लिए उन्होंने चार धाम यात्रा को सुबल कराया है, 12,000 करोड़ रुपए की चार धाम यात्रा। मुफ्त की बात कर रहे हैं आप तो फिर वो आम आदमी पार्टी वाले फिर वो जैसे कहते हैं कि हमने ये मुफ्त दिया, हमने वो मुफ्त दिया, हमने ये मुफ्त कर देंगे, हम वो मुफ्त कर देंगे, आप भी मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैंने मुफ्त की बात की जरूरतमंद के लिए। इस समय जो है कोरोना काल, इस समय विश्व की सबसे बड़ी महामारी चल रही है और आदरणीय मोदी जी ने उन गरीब देशवासियों को, जो छोटे मजदूर हैं, जो बहुत कम कमाते थे लेकिन क्या है कि कोरोना के काल से उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, ऐसे गरीब परिवारों को उनको उन्होंने एक सहयोग किया है। उत्तराखंड के परिपेक्ष में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उसका संदेश कार्यकर्ताओं के भीतर एक अलग से पहुंचता है, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसे छूने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करेंगे और इस रैली के मायने खासतौर पर आपको क्या लगते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, जितने कार्य हुए, जितनी घोषणा हुई है, उन सबको आम जनता तक अवगत कराने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड की देवभूमि में पहुंच रहे हैं। जो योजनाएं जो लागू कर दी और जिन योजनाओं का शिलान्यास कल होना है, उन सब का माननीय प्रधानमंत्री अपने श्रीमुख से देवभूमि की जनता को बताएंगे। इस आज प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, माननीय मोदी जी की जरूरत है, देवभूमि को प्रधानमंत्री मोदी जी की जरूरत है, जिनको सुनने के लिए जनता बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। लेकिन उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं तो विपक्ष ये कह रहा है एक उपलब्धि और भी आपके नाम पर, मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलना, वो भी तो आप लोगों की उपलब्धि है। क्या प्रधानमंत्री ये गिनवाएंगे क्या मंच से कि वो उपलब्धि है उनकी? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनका यही सीधे तौर पर आरोप है कि मुख्यमंत्री बदलना आप लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि। कौन सा विपक्ष? मुख्यमंत्री तो विपक्ष ने भी बदले हैं,
पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं बदला विपक्ष ने, नहीं बदला, बदला है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पक्ष आपका आइडियल है क्या? अब अगर वो हमारा आइडिया कर रहा तो अच्छी बात है। नहीं, वो आपके आइडियल है क्या विपक्ष? मेरा आइडियल नहीं, फॉलो करते हैं कांग्रेस? नहीं नहीं, हम क्यों फॉलो करेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस तो हमसे पुरानी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज उत्तराखंड के पिछले 4.5 वर्ष से उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप सेवा कर रहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जैन साहब कि क्या इस बार धामी ही मुख्यमंत्री होंगे? क्या इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि नहीं, आप हमारा चेहरा सिर्फ धामी होंगे, बदलेंगे नहीं, अब इसके बाद कोई चेहरा बदलाव नहीं होगा? नहीं, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कोई वक्तव्य ना कोई नेता देना चाहेगा ना कोई देता है। वर्तमान में जो आवश्यकता है, धामी जी जिनके चेहरे पे आज चुनाव होगा, वो प्रधानमंत्री यही घोषणा करेंगे, यही रहेगा हमारा फिलहाल। ऐसा कुछ कोई घोषणा करने वाले नहीं, कौन आगामी मुख्यमंत्री होगा, कौन चेहरा होगा, ऐसा कोई घोषणा नहीं। अच्छा, मैं क्योंकि आपकी टीम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और कांग्रेस ने खास तौर पर एक ट्वीट बनाकर और खास तौर पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, और ये ट्वीट मैं दिखाना चाहूंगा। ट्वीट क्या और खास तौर पर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, मैं अपने सागर सहयोगी से चाहूंगा, सागर जरा ये दिखाइए आप। और ये विपक्ष का जो खास तौर पर इस वक्त आरोप है और इस रैली को लेकर जो कटाक्ष किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4 दिसंबर उत्तराखंड को जो है मौसम की चेतावनी, गरजेंगे झूठ के बादल, होगी जुमलों की बारिश। मौसम की चेतावनी, गरजेंगे झूठ के बादल, होगी जुमलों की बारिश, 4 दिसंबर उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। जी, कांग्रेस जो है, जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस है ना, वो हमेशा नकारात्मक ही काम कर रही है इस देश के। और इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक जानता है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नकारात्मक राजनीति करती है। जब हमारे देश के सैनिकों ने पुलवामा का बदला लिया और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब भी वो हमसे सबूत मांग रहे थे। अभी हमारे इस देश के वैज्ञानिकों ने, मैं कोरोना की बात करूंगा, इस देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराई तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन मोदी जी की है, ये वैक्सीन बढ़िया वैक्सीन नहीं है, इस वैक्सीन में खामियां हैं। तो उनका काम तो सिर्फ जो है ना नकारात्मकता फैलाना और इस देश का माहौल खराब करने का ही है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है इस रैली के जरिए कुछ ना कुछ फायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि आपने नारा दिया आपकी बार 60 पार, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा क्यों है, हमने तो 65 तक गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में हमने 65 विधानसभाओं में फतेह की थी, जिसमें हमने पांचों की पांचों उत्तराखंड की लोकसभा जीती थी। और अभी हम 57 पे हैं, 2017 के चुनाव में हमने 57 सीटें जीती थी, 2019 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने जो है 65 सीटें जीती थी। इसलिए हमने आधार माना है 60 का, अब की बार 60 बार, हम 60 से पार जाएंगे। फिर भी मोदी जी की जरूरत है, इतना विकास किया आपने, फिर भी आपको मोदी जी की जरूरत है? मोदी जी हमारी जरूरत है, मोदी जी भाजपा की जरूरत नहीं है, मोदी जी देश की जरूरत है, और मोदी जी बच्चे बच्चे की जरूरत है, मोदी जी हर नागरिक की जरूरत है। मोदी जी की जरूरत इसलिए है कि वो इस देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो सैद्धांतिक नारा ही है कि हमने इस देश को परम वैभव पर बचाना है। नहीं, तो उपलब्धियों की जहां तक बात है जैन साहब, तो आपको उपलब्धि भी बतानी पड़ेगी ना। आपने 5 साल में उपलब्धि के रूप में उत्तराखंड को क्या दिया? उत्तराखंड को जो आपने दिया, क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ यहां से हरीश रावत पर वार करेंगे, सोनिया गांधी पर वार करेंगे, राहुल गांधी पर वार करेंगे, लेकिन आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया वो बताएंगे क्या? हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो किया है, जो हुआ है, सब पब्लिक जानती है। ऐसी कोई हम किसी कोई आवश्यकता नहीं है जो कोई माननीय प्रधानमंत्री पब्लिक को कोई विशेष उपलब्धि, कोई इस तरह की, जिस तरह का विपक्ष आरोप लगाती है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो किया है सबके सामने है, पब्लिक स्वीकार करती है इसका। उपलब्धि के तौर पर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, मैं क्योंकि आप सोशल मीडिया टीम में भी हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। ये देख सौरभ, आपने देखा ये विपक्ष ने बनाया, मौसम की चेतावनी, गरजेंगे झूठ के बादल, होगी जुमलों की बारिश, 4 दिसंबर उत्तराखंड, मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा विपक्ष का तो काम है बोलना, उनको तो बहाने चाहिए हमको बदनाम करने के लिए, उनको तो बहाने चाहिए रहते हैं, बाकी उनपे कुछ है तो है नहीं इस समय। उनको तो मुद्दा मिल रखा है 100 बातें बोलने का, है ना, बाकी। लेकिन ये मोदी जी नेतृत्व में जो काम हो रहा है, वो वाला काम आज तक किसी उसमें सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन ये उत्तराखंड में 22 में भाजपा आ रही है और 60 पार आ रही है, जो बोलता है बोलने दो, हमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। समझना चाह रहा हूँ मैं इस बात को, समझ, आप कह रहे हैं 22 में भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि धामी रिपीट कर रहे हैं? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। धामी जी तो आएंगे, हमारे युवा मुख्यमंत्री है और युवा मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उनके द्वारा पिछले 4 महीने में जो फैसले लिए गए जनहित के लिए,
वो काफी अच्छे हैं, लोगों ने देखा भी उसको है। मतलब आप चार महीने का ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का ऐतिहासिक फैसला क्यों नहीं गिनवा रहे आप? क्यों आखिरकार फिर ये नहीं कह रहे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये उपलब्धि हासिल की? और की तो फिर वो फैसले रोल बैक क्यों लेने पड़े जो उन्होंने लिए? तीर्थ पुरोहित नाराज दिखाई दिए, आपदा के वक्त सवाल खड़े हुए, तो ये भी तो तमाम विपक्ष की तरफ से आरोप हैं कि आपने उत्तराखंड के परिपेक्ष में आज धामी जी को लाकर नाइट वॉचमैन के तौर पर खिला रहे हैं, लेकिन 4.5 साल जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल था उसको क्यों नहीं गिनवाते? तीरथ सिंह रावत ने जो कार्यकाल था उसको क्यों नहीं गिनवाते आप? तमाम आरोप आपके ऊपर, अब जो कोरोना काल है उसमें जिस तरह की टेस्टिंग हुई उसको लेकर तमाम आरोप लगे आपके ऊपर। नहीं ऐसा है ना, देखो जो कोरोना की जो महामारी थी वो पूरे विश्व की महामारी थी, और उसमें ऐसा नहीं कि उत्तराखंड ही बचा होगा। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो, हाँ चाहे वो त्रिवेंद्र जी रहे हों चाहे वो तीरथ जी रहे, सबने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और आज समय की मांग शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा कि धामी जी युवा चेहरा है। आपको पता है क्यों क्यों बदला तीरथ जी को या त्रिवेंद्र जी को, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? हम तो छोटे कार्यकर्ता है, हमें क्या मालूम, तो बड़े लेवल का। अच्छा त्रिवेंद्र जी कहते हैं मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे क्यों बदला गया। अब ये तो मोदी जानते होंगे, अमित शाह जी जानते होंगे, बड़े लोग जानते होंगे। तीरथ जी भी कहते हैं मुझे नहीं मालूम क्यों बदला गया। तो जब तीरथ जी को नहीं मालूम तो रतन चौहान को कहां से मालूम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता जिनमें एक उत्साह है, एक उत्साह, और खासतौर पे जो भाजपा के महामंत्री है उन्होंने कहा कि ये रैली के कई मायने हैं, और खासतौर पर उत्तराखंड के परिपेक्ष में यहाँ से जो मंत्र मोदी देंगे उसका संकेत और संदेश बिल्कुल साफ होगा। जय भाजपा तय भाजपा आएगी सरकार, फिर से मोदी सरकार आएगी। त्रिवेंद्र जी तो खैर हमारे मुख्यमंत्री थे पहले, ऐसा नहीं है, जो होता है जो भाजपा अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। बाकी पुष्कर धामी चेहरा है, मुख्यमंत्री चेहरा हमारा है, 22 में जो होगा भाजपा 60 पर आ रही है, डंकी की चोट पे आएगी। फिर मतलब भाजपा आ रही है लेकिन अभी धामी जी का कन्फर्म नहीं है, कार्यकर्ताओं को भी यही लगता है। धामी जी कन्फर्म है? देखिए चौहान साहब आप कह रहे हैं पक्का? पक्का लिख लें? लिख लो। हाँ जी कमल मुख्यमंत्री होगा, कमल के फूल के मुख्यमंत्री होंगे जो भी होंगे। नहीं अभी क्योंकि आपके महामंत्री जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने पूछा कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया, तो कह रहे हैं कि क्योंकि त्रिवेंद्र जी को नहीं मालूम क्यों हटाया, तीरथ जी को हटाया, तीरथ जी को भी नहीं मालूम। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अब की बार कन्फर्म है ना धामी जी का? नहीं नहीं बिल्कुल कन्फर्म, एकदम 100% ऊर्जावान हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, 100% के साथ, 100%। वो तो फिर यही बात होगी 4.5 साल बाद तो आपने बदले चेहरे, फिर आपने आपकी उपलब्धि ये भी तो ही कि 3-3 मुख्यमंत्री, पहले खंडूरी जी थे, निशंक जी थे, कोश्यारी जी थे, फिर 3G थी, अब 6G हो गई आपके पास, त्रिवेंद्र जी हो गए, तीरथ जी हो गए, अब धामी जी हो गए, अब 6G हो गई। यही तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर किसी एक का राज नहीं है, किसी एक परिवार का राज नहीं है, यहाँ सबका राज है, सबको मौका दिया जाता है, जो अच्छे से अच्छा शासन चलाए हमारा। भाई पब्लिक क्या चाहती है, काम चाहती है ना, काम दे रहे दामी जी, काम दे रहे हैं, समय कर करके दे रहे हैं। उपलब्धि के तौर पर फिर आप क्या बताएंगे, आपने इन 5 सालों में उपलब्धि के तौर पर उत्तराखंड को दिया क्या, तो उपलब्धि के तौर पर भी तो आपको गिनवाना पड़ेगा। देखिए उपलब्धि के तौर पे सबसे पहले तो हमारा ऑल वेदर योजना, आप सबसे बड़ी योजना हमारी देख रहे हैं, आप क्या बढ़िया तरीके से उस पर काम हो रहा है, और दुनिया भर की उपलब्धियां अगर आप देखें, उत्तराखंड का विकास हुआ है, हर कहीं पर कोई चीज ऐसी तो हुई नहीं है, और अभी भी हमारी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी है आने वाले समय में आप उसका देखेंगे कितना बढ़िया उसका हमारे को मिलेगा विकास। सबसे बड़ी मजबूत कड़ी क्या दिखाई रही है आपको, क्या आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है आप, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आप लोगों की बी टीम है, वो 60 पार का जो नारा दिया आम आदमी पार्टी को खड़ा करके दिया आप, कि वो आपकी बी टीम। आप देखिए ऐसा है, दिल्ली से चल के आए हैं वो लोग, अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी बी टीम कहिए या कांग्रेस की बी टीम कहिए, तो किसकी बी टीम है मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की तो बी टीम है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने में पूरे संपूर्ण पूरे इंडिया में घूम रही है, और एक आप पार्टी का एक छोटी सी पार्टी दिल्ली से आई है, अब झूठ बोला सच बोला उनका जो भी कुछ है, तो मतलब मोदी जी का मंत्र काम करेगा 100% बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पर इस रैली को कामयाब बनाने की तैयारियों में जुटे थे। तो सुना आपने ये पूरी प्लानिंग जो बीजेपी की है आपकी बार 60 पार के नारे के साथ, और उपलब्धियों के तौर पर देखी आपने, तो देश के प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक रैली की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस रैली के मायने क्या है राजनीतिक नजरिए से, और वो भी तब जब बीजेपी नारा दे रही है आपकी बार 60 के पार, क्या इतना आसान है? और क्या इस रैली के जरिए खासतौर पर जो गढ़वाल मंडल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां माना जाता है कि जिसने सत्ता हासिल करनी है गढ़वाल मंडल पर राज करना ही होगा, और यहां ठाकुर और ब्राह्मण जातीय समीकरण भी एक अलग दिलचस्प है, उसका हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की रैली के मायने क्या है, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुभाष जो कि ग्राउंड जीरो पर देहरादून में खासे एक्टिव है,
अब सुभाष से समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री की इस रैली के मायने क्या है और क्या वाकई जो बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 60 पार इतना आसान हो पाएगा। सुभाष, देश के प्रधानमंत्री की इस रैली के मायने सबसे पहले हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस रैली के मायने क्या है राजनीतिक नजर। जी बिल्कुल सर, राजनीतिक क्योंकि राजनीतिकरण कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बहुत जरूरी है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली है जो कि राजधानी में कराई जा रही है, यानी कि गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्र है, गढ़वाल मंडल की जो सीटें हैं, जो जिले हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश कहीं ना कहीं भाजपा करती हुई नजर आएगी। और कुल मिलाके जो बड़े कार्य उन्होंने किए हैं भाजपा सरकार ने इन 5 सालों में, ये कहा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने गढ़वाल मंडल के लिए की हैं, चाहे वो केदारपुरी को बसाने की बात की जाए उसको लेकर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने तीर्थ पुरोहित को खुश करने की कोशिश जरूर यहाँ की, किसानों को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं गढ़वाल मंडल के, क्योंकि हरिद्वार में जो है किसान बहुत ज्यादा है तो जो किसान मूल्य है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा कर दिया। तो ये जो बड़ी योजनाएं जो सरकार ने एकदम से चुनाव से पहले जनता को दी हैं, इनको भुनाने की कोशिश मोदी यहाँ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस ने जो विपक्ष का रोल नहीं निभाया है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और सरकार के साथ साथ जो योजनाएं हैं वो तो गिनाएंगे लेकिन विपक्ष की जो नाकामी है वो भी कहीं ना कहीं वो मंच से, इसी मंच से गरजते हुए आपको नजर आ सकते हैं 4 तारीख को। मुद्दों की अगर हम बात करें सुभाष, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं और खास तौर पर जो विपक्ष की कमजोर नब्ज का आपने जिक्र किया, वो दबाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड में ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 3-3 मुख्यमंत्री पद के चेहरे दिए उन्होंने, और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर उपलब्धियों की बात करें तो वो कौन सी उपलब्धियां जो है वो देश के प्रधानमंत्री इस मंच के जरिए गिनवा सकते हैं, और खासतौर पर बीजेपी को वो कौन सा ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिसमें वो नारा जो है वो साकार हो पाएगी अब की बार 60 पार। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आखिरकार वो नारा इस बार क्या सरकार का होगा जो 60 पार उनको इस बार विधानसभा में पहुंचाएगा। उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुल मिलाकर जो ऑल वेदर रोड की बात पिछली बार 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी करके गए थे वो तो उन्होंने जरूर यहाँ कंप्लीट करने की बात कहेंगे कि उसके बाद से ही चार धाम यात्रा बेहतर चल रही है और बॉर्डर एरियाज चाहे वो चमोली हो, उत्तरकाशी हो या नेपाल के जो एरिया हैं, उन स्थानों तक सड़कें सरकार ने पहुंचाई हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है सरकार विपक्ष को किस तरीके से घेरेगी, मोदी जी विपक्ष को किस तरीके से घेरेंगे, उसके लिए केवल एक ही चेहरा उनके पास उत्तराखंड में है, वो हरीश रावत। और जिस तरीके से 2017 में उन्होंने स्टिंग का मामला उठाया था, ये कहा जा सकता है कि फिर एक बार कहीं ना कहीं स्टिंग का मामला उठता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश सरकार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ। एक बात, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के परिपेक्ष में माना जाता है जो पूर्व सैनिक है, खास तौर पर पूर्व सैनिक खास और उनका वोट बैंक जो बीजेपी चाहती है और बीजेपी मानती है कि ये हमेशा उन्हीं के पक्ष में रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जब जब मंच से संबोधित करते हैं तो पूर्व सैनिकों के सम्मान का जिक्र करते हैं, तो क्या माने कि इस मंच के जरिए एक बार फिर से यही संकेत और संदेश देने की कोशिश बीजेपी खासतौर पर पूर्व सैनिकों में भी करेगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, बड़ा वोट बैंक पूर्व सैनिक नहीं बल्कि जो सेना में यहाँ के जो युवा काम करते हैं उनका बैलेट पेपर से जो उनके वोटिंग आते हैं वो भी कई मायने में बीजेपी के लिए बहुत अहम होते हैं, और यही उनके जीत के कारण पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था कि अंतिम में जो वैलेट पेपर के जरिए जो वोट पहुंचा था बीजेपी के लिए उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त कहा जा सकता है कि 2017 में बीजेपी को मिली थी। और यही क्योंकि राजनीति के साथ साथ यहां कहा जा सकता है सैन्य भूल प्रदेश भी है और सेना को कहीं ना कहीं सम्मान देने की कोशिश कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, और क्योंकि इस बार एक नई पार्टी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहुंची है, उनके जो मुखिया हैं जिनको वो सीएम बनाना चाहते हैं वो भी सेना में अपनी सेवा देकर आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि सेना का जो वोट है वो हमको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से सैनिकों के सम्मान के लिए सैनिक सम्मान यात्रा, यहाँ एक और फैक्टर भी है क्योंकि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं कि लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि कर्नल कोठियाल भी एक माना जाता है केदारनाथ आपदा को लेकर खास तौर पर जिस तरह से पुनर्निर्माण कार्य हुआ उनकी एक उपलब्धि है, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती है क्या?
बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कर्नल कोठियाल केवल आम आदमी पार्टी के चेहरे नहीं बल्कि उन युवाओं के चेहरे भी हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग देके आर्मी में, एयरफोर्स में या सेना में भर्ती कराया है, जो कि फाउंडेशन चलाते हैं, यूथ फाउंडेशन, उसके जरिए भी उन्होंने बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्हें आर्मी जैसे जो ये कहा जा सकता है सेना में उन्होंने भर्ती कराने की कोशिश की, उनको फ्री एजुकेशन दी है सेना में भर्ती होने के लिए, ना केवल लड़कों को बल्कि लड़कियों के भी कैंप चलाए, चाहे वो गढ़वाल मंडल में श्रीनगर हो, उसके बाद उत्तरकाशी हो, कुमाऊं में भी कहीं ना कहीं स्थानों पर उन्होंने कैंप चलाए हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने भी सम्मान यात्रा चलाई है सैनिकों के लिए, जिसका शुभारंभ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, तो कहा जा सकता है कि सैनिकों को कहीं ना कहीं सम्मान देने के साथ सैनिकों का जो वोट बैंक है वो भी खिसकाने की कोशिश बीजेपी और आम आदमी कर रही है। लेकिन ज्यादा फायदा किसको होता है ये तो 2022 का चुनाव के नतीजे बताएंगे जी। आज मौसम में काफी ठंडक है और प्रधानमंत्री कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं इस परेड ग्राउंड के बारे में आपसे जानना चाहूंगा और इस परेड ग्राउंड का इतिहास वैसे तो मैं भी 2006 से देखता हुआ आया हूं सुभाष, लेकिन इस परेड ग्राउंड की एक अपनी पहचान भी है जो अपने आप को इतिहास में समेटे हुए है। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटे और समझे इस परेड ग्राउंड को, तो यहाँ इस रैली के मायने जरा ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार ये परेड ग्राउंड की रैलियां, भले ही ये कुर्सियां अभी खाली हैं और बीजेपी कोशिश और कवायद यही है कि 1,00,000 की हम भीड़ जुटाएंगे, कोई 50,000 कह रहा है, कोई 60,000 कह रहा है, कोई 70,000, हर बार एक टारगेट फिक्स होता है और दावा और नारा दिया जाता है कि हम इस एक परेड ग्राउंड से जब रैली करेंगे तो इसका एक संदेश जाएगा और वो राजनीतिक संदेश उसके कई मायने होंगे। तो जरा इस परेड ग्राउंड के इतिहास के बारे में भी बताइए और इन कुर्सियों के किस्से भी बताइए जरा। बिल्कुल, क्योंकि केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी ये दावा करती है कि हम 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को परेड मैदान में इकट्ठा करेंगे, उनको अपने नेताओं की बातें सुनाएंगे, जिसके बाद वो जनता के बीच में जाएंगे। अब जिस तरीके से मोदी 4 दिसंबर को परेड मैदान पहुंच रहे हैं, तो यहां 1,00,000 की भीड़ जमा करने के लिए केवल देहरादून ही नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। और इसका एक बड़ा मायना ये भी है कि भीड़ इकट्ठा करके जो भी राजनीतिक दल है वो ये दिखाने की भी कोशिश करता है कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारे साथ लोग कितने हैं, ये भी कोशिश यहाँ की जाती है। और कई बार देखा जाता है कि खरीदे हुए लोगों को भी परेड मैदान में कई बार पकड़ा गया है, हम लोगों ने भी कई बार उनको कवरेज किया है, वो कहते हुए कि हमें पैसे देके बुलाया गया। तो कहा जा सकता है कि मायने बहुत है, लेकिन एक बड़ा मायना इस बार इसलिए अलग है, ये स्मार्ट सिटी के लिए ये अब पूरा परेड ग्राउंड दे दिया गया और स्मार्ट सिटी का जो काम है वो लगातार इसमें चल रहा था, लेकिन क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी थी इस वजह से जो काम है आप देख सकते हैं अभी भी काम हो रहा होगा कई क्षेत्रों पे, तो उसे रोका गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 4 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से एक रैली करेंगे, कई घोषणाएं और ये कहा जाता है लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे जनता के लिए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस के राहुल गांधी भी आपको इसी मंच से गरजते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए वो नजर आ सकते हैं। चलिए, तो ये थे सुभाष मेरे सहयोगी जो बता रहे थे इस परेड ग्राउंड के मायने क्या है, इसका इतिहास क्या है और राजनीतिक लिहाज से परेड ग्राउंड ही क्यों, और ऐसे में इस रैली के जरिए क्या बीजेपी जो माहौल बनाना चाह रही है, जिन मुद्दों के जरिए सत्ता एक बार फिर से हासिल करना चाह रही है, क्या वो इतना आसान हो पाएगा? लेकिन अगर रैली के इतर देखे जो 60 पार का नारा है बीजेपी का, वो इस बार इतना आसान दिखाई नहीं देता। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस रैली के जरिए क्या वाकई बीजेपी अपने 60 पार के नारे पर कामयाब हो पाएगी या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? एक इतिहास यह भी है कि यहां सत्ता में वापसी कोई नहीं करता, तो क्या होगा उत्तराखंड और देवभूमि के दंगल में? ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे ऐसी दिलचस्प कवरेज। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी सागर बिष्ट और सुभाष कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि कुछ ही लम्हों के बाद जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो हुंकार भरेंगे उस नारे की जहां पर बीजेपी ने दिया है अब की बार 60 पार।